नमस्ते दोस्तों, वंसाभाई देसी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं घर का बना हुआ होममेड एलोवेरा ऑयल, जो बालों के लिए, स्किन के लिए, ज्वेलरी के लिए, दाग धब्बों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और सभी के घरों में ही एलोवेरा का पौधा लगा हुआ रहता है। ये देखिए, हम आज देख रहे हैं एलोवेरा का पौधा जो सभी के घर में मौजूद होता है, पर हमें कभी कभी इसके फायदे लेने नहीं आते हैं। हम ऐसे ही शो के लिए अपने घर में रखते हैं, पर आज मैं बताऊंगी कि एलोवेरा पौधे के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और घर पे ही हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो चेहरे पर दाग धब्बे आते हैं या झुर्रियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ों का इसका फ़ायदा होता है। आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, जैसे बॉडी लोशन ले आते हैं महंगा सा महंगा, कंडीशनर लेके आते हैं महंगा सा महंगा, फिर भी हम सोचते हैं यार पूरी त्वचा हमारी एकदम ख़राब हो रही है, स्किन ख़राब होती जा रही है, बालों में एकदम रूखापन है, तो इसका क्या ही फ़ायदा उठाए। और कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम इसको उसको पूछते रहते हैं, पर हमारे घर में ही चीज़ें होती हैं, कई बार उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सबसे पहले हम एलोवेरा की ये पत्तियाँ तोड़ेंगे एक एक करके, जो सभी के घर में होती है, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसका फ़ायदा उठाना है ये आज हम बताएंगे आपको। 10 से 15 पत्तियां हमें ऐसे तोड़ लेनी है। ये देखिए, पत्तियां हमने तोड़ ली है, अब इसे अच्छे से धो के पोंछ लेंगे। देखिए, ये हमारा जेल एकदम बन के रेडी हो गया है, पूरा जेल हमने निकाल दिया है पत्तों में से, अब इसे हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अब इसे एक साथ डाल के भी पीस सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भी आप पीस सकते हैं। ये अच्छी तरह से पीस लिया है और ये देखिए पूरी तरह से एकदम ये जेल बन के रेडी हो गया है। अब इसको आगे की चीज़ें कैसी करनी है हम बताते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई रखनी है गैस पर। अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, जो सबसे अच्छा होता है। यह हमने कोकोनट ऑयल इसमें डाल दिया है। अब इसी के साथ हम डालेंगे जितना हमारा जल है उससे आधा हमें तेल लेना है। जैसे हमने 1 कप जल लिया है तो आधा कप आपको तेल लेना है। अब ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, एकदम नेचुरल तेल आपका बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी बॉडी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तेल को हाथ पैर पे अपने लगा सकते हो, अपने मुंह पे लगा सकते हो रात को सोने के टाइम, सुबह आपका एकदम फेस इतना मस्त हो जाएगा, स्मूथी हो जाएगा और एकदम शाइनिंग करेगा। और आप बालों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से पहले आपको 2 घंटे बालों को लगाना है, उसके बाद आपको शैम्पू से हेयर वॉश करना है। आपको कंडीशनर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तेल कंडीशनर का ही काम करेगा। एकदम स्मूथी और सिरकी सिरकी से आपके बाल हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएगा, डैंड्रफ आपका कम हो जाएगा, अगर आप इस तेल को अपने घर पे ही बना के लगा लो। और ये अभी हमें ऐसे ही इसे छोड़ देना है, कम गैस पर ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे, जैसे हम घी बनाते हैं। धीरे धीरे करके ये जल पूरा एकदम सूखता जाएगा और ये तेल और ये मिल के एकदम बढ़िया तरीके से बन जाएगा। अब इसे हम ढक के रख देते हैं। गैस हमें बिल्कुल फुल पे नहीं रखना है, एकदम एक कम गैस पे ही बनता रहेगा और धीरे धीरे आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे ये तेल को बनके रेडी होने के लिए। अभी ये पूरा पानी पानी सा जैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा जल में कन्वर्ट हो गया है ऑयल भी, तो ये पूरा जल सूख जाएगा और इसका ऑयल बन जाएगा, जैसे हम घी बनाते हैं। अब इसे हम ढक के रख देंगे, आधा ही ढक्कन हमें रखना है, पूरा बंद नहीं करना है, नहीं तो घी के जैसे पूरा ऊपर आ जाएगा। और बीच बीच में आपको इसे खोल के देख लेना है और एक बार ही धीरे से चला लेना है। ये देखिए, हमने आधा ही ढक्कन रखा था, इस तरीके से हमारा एलोवेरा ऑयल रेडी होता जा रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसे 15 या 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा ऑयल ऑयल कैसे ऊपर आ रहा है और जो एलोवेरा का जल था वो पूरा नीचे जम रहा है। जैसे हम घी बनाते हैं उसी प्रकार हम ये तेल भी बना सकते हैं। ये पूरा एकदम अच्छे से जम जाएगा, जो एक हल्का हल्का सा भी पानी जैसा दिख रहा है, पूरा जैसे कि पानी ऊपर आ जाता है, तेल के ऊपर ठहरता है, उस हिसाब से ही हो जाएगा। 5 मिनट लगेगा अभी से, जैसे घी बनाते हैं हम उसी तरीके से ये बन रहा है। एकदम बढ़िया, इसमें कुछ भी एकदम गंदी स्मेल नहीं आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है एलोवेरा की जब आप लगाते हो, और बहुत अच्छा फील करते हो आप जब आप अपनी स्किन पर लगाओगे और सुबह देखोगे इतनी स्मूथी और शाइनिंग, एकदम चमक उठती है स्किन। इसी तरीके से अभी 5 मिनट लगेगी, ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं।
ये पूरी तरह से तेल बनके एकदम रेडी हो गया है। देखिए जितना हमारा तेल था उतना के उतना ही रह गया है और एलोवेरा पूरा सूख के तेल के अंदर आ गया है, उसका पूरा पावर आ गया है, पूरी एकदम चीज़ें जो भी उसके अंदर थी सब चीज़ें तेल के अंदर आ गई है। ये बन गया हमारा एलोवेरा ऑयल होममेड रेडी।